वाह मजा आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए 11:30 और मेरे को अपनी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब लग रही है और मुझे हो गया फीवर। तो मैं 2 दिन से दवाइयाँ खा रही हूँ। आज भी कोई मेरी तबीयत ज़्यादा खास नहीं है, मतलब मुझे था कि आज मैं सुबह उठूँगी तो थोड़ा फ्रेश फील करूँगी, पर मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ। उधर मैंने भी ओंकार को कॉल किया, उसको भी बुखार हो गया। सुबह उसको 102 बुखार था, अब शायद उसको हल्का सा कम होके 99-98 हुआ है उसका टेम्परेचर। और मैंने उधर आदित्य के पास अभी रूम पे गई तो आदित्य इज़ ऑल्सो लाइक कि मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो पता नहीं आज पूरा दिन हम क्या करने वाले हैं। मुझे लगता है हम दवाई खाएंगे सो जाएंगे, दवाई खाएंगे सो जाएंगे। कल तो मैंने पूरा दिन यही किया लिटरली। और अभी सबसे पहले करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब तक ब्रेकफास्ट ही करूँगी तब तक दवाई नहीं मैं खा सकती, तो ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है इस टाइम। मेरी माता श्री ने पहले से मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट बना के रखा हुआ है, मतलब वाह, मतलब उठते ही खाना मिल जाता है। ये फ़ायदा होता है अगर आप बीमार हो ना तो आपको घर वाले आपको पहले ही खाना बना के देता है, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने मुझे सांस चढ़ गया, मैं खाना खा लूँ। दादू तो दीदी के पास खाना मांगने क्यों नहीं आया आज? ले समझदार बन गया तू, दीदी से आज ब्रेड ऑमलेट नहीं मांगेगा। कोशिश कर रहे सुधरने की। अच्छा तू देखो थोड़ा सा ब्रेड ऑमलेट खाना है, दीदी से खाया नहीं जा रहा। अच्छा मैं तो हैरान हूँ कि टैडी खाना क्यों नहीं मांगना है। मुझे लगा पता नहीं ये भी बीमार है, पता नहीं क्यों नहीं आया। आज खाना खा लिया है ना इसने, ब्रेकफास्ट कर लिया टैडी ने अपना, तभी नहीं आ रहा भाई साहब ये। नहीं तो ये खाना ना मांगे ऐसा हो ही नहीं सकता। खाया नहीं जा रहा वैसे मुझसे। आ गया मेरा बच्चा। तेरी सी शक्ल वाले कुत्तू, ये तो ब्रेड ऑमलेट खाता है। टैडू ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खाना मांग लिया करो खुद, बुक्को की जरा। ओ मेरा बुक्कू। ये बन रही है हमारी दूध वाली चाय। पत्ती का अभी डालनी है। अच्छा अभी पत्ती डालनी है। मम्मी ने मुझे पूरा कन्विंस कर लिया कि मुक्ति दूध वाली चाय पी ले, इसमें मैं अदरक डाल दूंगी, सौंफ डाल दूंगी, इलायची डाल दूंगी, तेरा गला ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अपना मूड बना ही लिया, क्योंकि कभी कभी मुझे दूध वाली चाय पीना बहुत पसंद है, पर वो फीकी नहीं मैं पीती, वो मीठी पीती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक स्वीट डिश के बराबर है। तो मैंने सोचा कि आज चलो आज मैं दूध वाली चाय अपनी मम्मी का साथ देने के लिए आज मैं दूध वाली चाय पीऊंगी। कल अनुपमा हमने देखा था, मम्मी सुबह सुबह देख लिया था ना, तो अब हमारा मूड बन गया कि चाय तो हमारे हाथ में होगी और साथ में हम देखेंगे अनुपमा, क्योंकि मेरे को भी कोई काम नहीं है, मम्मी को भी कोई काम नहीं फिलहाल तो हम बैठेंगे, चाय का गिलास हाथ में पकड़ेंगे और देखेंगे अनुपमा। नहाना धोना तो है नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कपड़े इसमें कल सोई उठी अब यही सेम कपड़े मैंने पहने हुए। हाँ सारे मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगी और साथ में देखूंगी टीवी। मतलब इतनी बुरी हालत आ रही है कि हमारा डिश टीवी मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से चल नहीं रहा है। हम लैपटॉप से कनेक्ट करके अपना अनुपमा नाटक देखते हैं। ओ टाइम टू चिल। तो मुझे चाय दे पहले यार, ये देख कितनी अच्छी माँ है, कितने अच्छे घर वाले हैं मेरे। कह रहे ले लो अपनी चाय। ले ले मम्मी की थोड़ी है चाय पहले। यार बीच बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे गर्मी लग रही है, बीच बीच में मुझे ठंड लग रही है। क्या चाय बनाई है मुक्ति तूने? मुझे फीवर की वजह से लग रहा है, मैंने नहीं बनाई मम्मा ने बनाई। बहुत स्वाद है मम्मी, मजा आ गया। हाँ मुझे तो वैसे स्वाद ही नहीं आ रहा। टेस्ट पर ही काम कर रहा है। तेरे को कोरोना हो गया है? मीठी है। शुक्र है, शुक्र है रब्बा। जय जगदीश। तू ही देखे, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। टेम्परेचर है अभी, है ना? तो दवाई खा। क्रोसिन खा लेती हूँ साथ में, है ना भैया? टेम्परेचर अभी भी है हमें, तो हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ मेडिसिन खाना। 12:30 हो गया काम, मुझे दिन में 9-10 बजे तक खा लेनी चाहिए थी मेडिसिन। वैसे मेरा हर बार का काम है, मैं मेडिसिन हमेशा खाना है तो भूल जाती हूँ, काफ़ी लेट हो जाती हूँ। फटाफट मैंने खाना कब का खाया हुआ है, मेडिसिन मैंने अब तक नहीं ली, तो लेती हूँ मेडिसिन। Now it's time to sleep. बहुत अंगड़ाई आ रही है। उठते गई मैं लेट, 3:30 हो चुके हैं और अभी मैं पीऊंगी ग्रीन टी। तो क्या छुप छुप के देखना ग्रीन टी पीएगा? ग्रीन टी पीऊंगा। और आज मैं बीमार हूँ पर मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। बीमार तो किसी एंगल से नहीं लग रहा, बस तेरे बाल बिखरे हुए हैं। मैंने कल वाली टी शर्ट पहनी हुई है, ये सबूत है मैं बीमार हूँ। मैं रात को आके इतना थक गया एडिटिंग करने के बाद कि मैं ऐसे बेड पे लेटा और फिर मेरे को नींद आ गई। पर मैं थोड़ा क्या काम कर रहा हूँ जो मुझसे कल नहीं हो पाया, मैं अपनी अलमीरा सेट कर रहा हूँ आज। ओह शुक्र है भगवान। मार मार के वैसे मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, मम्मी कहती मैं तेरे साथ हेल्प कराती हूँ, तो मैंने कहा गुड, क्योंकि मेरे से अकेले नहीं होना था। अपनी अलमारी साफ तू देख जाके भाई साहब, कमरे का पहाड़ छोटा है मेरे कपड़ों के पहाड़ से। सीरियसली इतना बुरा हाल है इसके कमरे का ना, मतलब मेरे तो जैसे बाहर दिखते हैं, इसे छुपा के रखता है अलमारी के अंदर कूड़ा अपना। बेस्ट है, ज्यादा कमरा गंदा हो सारा सामान उठाओ अलमारी के अंदर डाल के ताला लगा दो कि वो बाहर ना आए। बेस्ट है, जब 15-20 दिन बाद कपड़े मिलने बंद हो जाए उसके बाद सेट करो। करता भी नहीं है, ज्यादा करने पड़ते हैं हमें। या तो मेरे को बोलते हैं फिर मम्मा को बोलता है, बहुत मेहनत लगती है। मारे दिखाती रुक जा, तू मुझे ग्रीन टी पिला पहले। अब ग्रीन टी पिला देती पहले, मैंने भी पी लिया। पिताश्री कैसे हो? मैं और मेरी बहन बीमार हैं और मेरे पिताश्री अलग तरह के बीमार हैं, इनके डॉक्टर ने सारे दांत निकाल दिए। पापा एक बार आ कर रहा। अरे यार क्या हो गया ये आपके साथ? पापा के आगे वाले दांतों का कुछ ऑपरेशन होना था, तो वो अभी आगे वाले दांत डॉक्टर ने निकाले हैं, तो कुछ दिनों में नए दांत लग जाएंगे। बट बहुत इरिटेशन होती है दांतों में, कोई भी चीज होना, कोई भी ऑपरेशन हो दांत में, कुछ भी होना बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। हाँ हाँ तूने दांत देख लिया पापा के? मतलब जो नए दांत तूने देखे? नहीं। तू देख तू देख आ जा। तुम दादी के भी दांत नहीं थे ना? अंदर को चले जाते होंठ में। कब लगाएगा दांत डॉक्टर? शुक्रवार को, फ्राइडे को जल्दी लगा दे, ऐसे तो घूमना मुश्किल हो जाएगा है ना। पर एक मास्क का बहुत फायदा है, हाँ है ना, मास्क लगा के बंदा बात कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये भगवान। लो जी भैया चाय हो गई एकदम तैयार। एक ये मेरी चाय, आधी ये ले चाय। हे भगवान मैं थक चुका हूँ यार। आदित्य तेरा कितना बुरा हाल है यार। हाँ मैंने देख 3 जीने और एक शर्ट टाई मारी है मैंने। और उसके बाद क्या कर रहा है तू? रेस्ट। उसके बाद क्या कर रहा है तू? थक गया ना मैं, रेस्ट करता था। वो नहीं होगा मेरे से, मैं हार मान चुका हूँ। मतलब यार ये तूने अलमारी में से निकाल लिया अपनी? ये ऐसी थी अलमारी में, अलमारी में ऐसे ठूस रखा था सामान। वेरी गुड, पहले चाय पी लो और फटाफट एनर्जी लेके शुरू हो जा। मैं तो सोने लगा हूँ, मेरे बस करिए। देख तो सही कपड़े 3-4 हजार कपड़े होंगे। 3-4 हजार तो नहीं है, बट जैसे तुमने रखे हुए हैं ना 3000 लग रहे हैं। टैटू क्या हरकत है तेरी? चलो उठ, उठो यहाँ से, उठ उठ। स्कूबी दूंगी देखो, स्कूबी चाहिए? आ जो स्कूबी स्कूबी, अच्छा स्कूबी 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 के नाम पे आ जाता है भूखा कुत्ता। पापा को तंग करता है हर दिन। हाँ तो पापा को तंग क्यों करता है हर दिन उनके पेट पे चढ़ के? हाँ क्यों तंग करते पापा को? ये देखो अब इनको तंग करो। भाग गया यहाँ से। ये तेरी हेल्प करने आया कपड़े सेट कराने में। टैटू कोई तेरे को पारी नहीं करता। मेरा गुल्लू मेरा गुल्लू मेरा गुल्लू, काट जा गुल्लू, ये गंदे से भाई को काट जाओ। भाग जा यार। मुक्ति अच्छा चढ़ाया तूने, अभी भाग नहीं रहा। He is looking for Scooby. डैडी जो ना हो जाके चल। Very good. तो चालाक है ना, इसको इतना पता है कि मेरे हाथ में स्कूबी है। तो खुशबू आती है उसको, तो इधर दो ना उसको दंदा दना। तो वॉक जाना भी आपने? हाँ। मम्मी जाने लगे वॉक को, और मम्मी मुझे काफी दिनों से बोल रही कि मुझे डाइट प्लान बना के दे दे। वैसे मुझे ऑलमोस्ट सारे लोग ही बोलते रहते हैं डाइट प्लान बना के दे दे। कभी कोई बोलता है डाइट प्लान, उधर ओंकार मुझे बोल रहे डाइट प्लान बना के दे दे। मैं फॉलो करूंगी। वैसे तो मैं मम्मी को बहुत बार दे चुकी हूँ, पर मम्मी ने फॉलो कभी किया नहीं है। तो इस बार मैं दे रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी ने अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराई थी, तो अभी शायद अभी वो नई नई मोटिवेशन है ना अंदर से, तो शायद क्या पता फॉलो कर ले। तो आप आ जाओ फिर, अभी दे दो। कैसे करना है? अभी जाने कितने देर में निकल रहे हो आप? आधे घंटे में आके ले लेना है ना। तो मैं मम्मी को दूंगी डाइट प्लान, और हर दिन में वीडियोस हम बनाते हैं, तो पता ही चल जाएगा कि मम्मा कितना फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और कर लोगे पक्की बात है ना? ओंकार की तरह बस फिर मैं तेरी अगर ओंकार की तरह यार ओंकार एक जैसी। हाँ एक्चुअली अब तो मेरे को खुद को हो रहा है कि मैं पतली हूँ थोड़ी। पता क्या जब आपकी एक बार मतलब हाँ। 150+ ना, तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो और वैसे भी उससे पहले आप अपना वेट लूज कर लो बुढ़ापे से पहले, तो वो हमेशा एक बड़ी ऑप्शन रहती है। इससे पहले आपको बाद में जाके बुढ़ापे में बीमारियाँ लगे। मुझे फील हो रहा है कि करनी चाहिए। आपके यहाँ शहद डाला इसमें? शहद डाला थोड़ा सा नीचे। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ग्रीन टी में शहद और नींबू बहुत अच्छा लगता है। चल मैं तो जाती हूँ शहद को। चलो चलो ठीक है फिर बाय। इस इंसान को बुखार है तो, और ये अपना कमरा सेट कर रहा था, कमरा वैसा का वैसा छोड़ के आ गया यहाँ पे किचन में। कर क्या रहा तू ये? मैं ना मेरे को ना मैंने आइसक्रीम देख ली फ्रिज में, मैंने फ्रिज खोला उसमें थी आइसक्रीम। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार मेरा ड्राई फ्रूट खाने का भी मन हो रहा है, आइसक्रीम खाने का भी मन हो रहा है, तो बुखार बुखार तो ठीक होता रहेगा। तो मैंने सोचा कुछ बनाता हूँ आइसक्रीम से। मतलब तू सीरियसली, तेरे को मैं बता रही हूँ, तेरे में गला पकड़ जाएगा जो तू हरकतें कर रहा है। गला पकड़ जाएगा? किसको पकड़ जाएगा, खंबे को? मतलब तेरा जुड़ जाएगा गला, जो खराब हो जाएगा और ज्यादा। फेविकॉल थोड़ा आएंगे आइसक्रीम में, जुड़ जाएगा गला। कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों की वजह से ना दुनिया का काम खराब हो गया, लोग एंजॉय नहीं कर पाते तुम लोगों की वजह से। मैं बताता हूँ, एक ग्लास लो विस्की का, विस्की का ग्लास लो, पर उसके अंदर विस्की नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक आइसक्रीम का टुकड़ा लो, उसमें डालो ड्राई फ्रूट। मैंने ड्राई फ्रूट में अंजीर लिया क्योंकि मुझे अंजीर बड़ी स्वाद लगती है, अंजीर किशमिश और बादाम। आज तक मैं तेरे को सच्ची बता रही हूँ, तो ना बुखार कराने वाले काम कर रहा है खुद को। बुखार तो है ही मुझे। हाँ, तो अब क्या किस चीज की कमी है जो पूरी कर रहा है? पता नहीं, मेरा मन कर रहा खाने का यार। रुक जा, मेरे को खाने दे। खा ले वाह वाह, मजा आ गया। मुक्ति खाएगी? नहीं मुझे नहीं खाने, मेरी तबीयत सच्ची में खराब है। मेरी भी खराब है, तो मुझे और खराब नहीं कर रही, तुझे खराब करनी होगी। इनसे चीजों से तबीयत नहीं खराब होती, देखा जाता। हाँ, बीमार खाना खाना चाहिए, बीमार होते हो। अबे तेरे ठुट मारने बकवास मार रहा है। हेल्दी खाना खा रहा हूँ, अंजीर है इसमें, ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम भी नहीं है ना, चॉकलेट है ना, वो तो सेकेंडरी है। जा कमरे में जा, कमरे में जा। तो मैं निकला हूँ वॉक के लिए क्योंकि मेरे से घर पे बैठा नहीं जाता। सुबह से मैं घर पे हूँ, कुछ काम नहीं है करने को, बेला बैठा हुआ हूँ। तो ये तो एक वो दबा दबा सा फील होने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन सी। तो मैं भी निकला हूँ वॉक करने के लिए कि थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, थोड़ी हवा लगेगी ताजी। डिनर के लिए मम्मी ने बनाई है खिचड़ी, तो बेसिकली सारे के सारे आज रात को खिचड़ी खाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा लाइट हो जाएगा। मेरी भी तबीयत खराब है तो रात को थोड़ा लाइट रहेगा तो बेटर रहेगा। और पापा से भी नहीं कुछ खाया जाएगा उनकी दांत की वजह से। और रही बात आदित्य की, आदित्य का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे उसको देख के गुस्सा आता है कि एक तो ये पतले होने की बात करता है, ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब है, ऊपर से आइसक्रीम उसने खाई। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात है। मेरा तो मन करता है उसको पीटूं पकड़ के, बट क्या कर सकता है। मतलब आप तो बस सजेशन दे सकते हो किसी को कि भाई ये मत कर, आगे तो उसकी मर्जी है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना बोलूंगी तो वैसे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा कम। हाँ, वीडियो बनाते हैं, डाइट प्लान आ जाए, तू भी ले ले थोड़ा सा, तू भी मोटा होना नहीं। ये आ जा, ये तो होगा मतलब इसका भी। चल अपने बैंक अकाउंट से पैसे लेके आने के बाद। ये मम्मी आप ये सोफे पे बैठ के डाइट प्लान बनवा रहे हैं? आराम चेयर पे बैठ के, और आराम से बनवाना और खड़े हो। और मैं बाथरूम बैठ के बनवाए बाथरूम सीट पे। मेरे को टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या क्या बंद होने वाला। मुंह पे कंट्रोल तो होगा ना, इसलिए जब मन के उठा के पॉपकॉर्न खा लिया, जब मन के उठा के चॉकलेट खा ली, जब मन के उठा के बिस्किट खा लिया। ओ भाई, तो दही बल्ले भी खा लो। ये तो गलत बात है मम्मी। क्या मेरी मम्मी की है ना? बिल्कुल गलत। बड़ा आया, अभी आइसक्रीम खाई इसने, तबीयत इसकी खराब, आइसक्रीम पड़ी है। हाय हाय मुक्ति बेइज्जती। मैं ना तभी नहीं देना पसंद करती डाइट प्लान, मुझे नहीं खाती। तू दे दे डाइट प्लान, फ्रिज पे लगा लेना, हर दिन वही खाना, ठीक है? ठीक है, चलो भाई। मम्मी का बनने लगा डाइट प्लान, मम्मा का तो बन रहा है, अभी ओंकार का पड़ा है, ओंकार का भी बनाना है। मम्मी वो पिज्जा मंगा ले आज के लिए, कल से तो डाइट प्लान फॉलो होना। यार ये तो ना सबसे बेकार चीज लगती है, जो लोग बोलते हैं कल से खा लो, कल से। हाँ, आज बर्गर भी खा लो। मैं नहीं हूँ। डिनर हो गया रेडी, और ये मम्मी पुलाव और खिचड़ी का कुछ मिक्सचर लग रहा है। वैसे खिचड़ी कम लग रही है, पुलाव ज्यादा लग रहा है ना। सारी सब्जियां डाल दी है, और इसके अंदर देसी घी डालना, देसी बड़ा स्वाद लगेगा इसके अंदर। सो गाइस, अभी मैं करूंगी अपना डिनर, उसके बाद दवाई खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। अब मैं मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में। इसी के साथ अलविदा।